उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 13 जुलाई 2023 यानी आज धर्मपुर तालुका के राजकीय अस्पतालों में एक गरीब आदिवासी द्वारा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को 12,000 रुपए देने की बारी थी। इसलिए मोहपाड़ा गांव और मोहन कोचाली गांव के एक व्यक्ति को का धर्मपुर तालुका के राजकीय अस्पताल में निदान किया गया था और आज एक ऑपरेशन किया गया था। और मोहना कोचली गांव के बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई थी, इसलिए भाई के पिता से पैसे लिए गए हैं और उनके पिता को व्यक्तिगत रूप से भर्ती कराया गया है। और अस्पताल में जब पता चला कि उन लोगों की बारी थी जो विकलांग थे, और स्थानीय लोगों ने कहा था कि वे अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे 12,000 रुपये देने की, इस संबंध में डॉक्टर श्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से अस्पताल का दौरा करने पर यह स्वीकार किया गया कि ऑपरेशन का सामान किसी से मांगा जा रहा था। और इस संबंध में उन्हें बताया गया कि ये वलसाड़ में भी उपलब्ध है परंतु ये पाड़ी से आता है। कई सवाल उठाए गए जैसे कि वलसाड़ के नज़दीक है लेकिन वर्तमान में ये सरकार जिस स्वास्थ्य विकास की बात कर रही है क्या वह धर्मपुर तालुका में खोखला साबित हुआ है। और जो पूर्ण आदिवासी क्षेत्र है हर सप्ताह में 2 बार ऑपरेशन किया जाता है और सामग्री के लिए पैसा आदिवासी रोगी है यदि लिया गया है तो फिर राजकीय यानी स्टेट अस्पताल का नाम निजी अस्पताल क्यों घोषित किया गया है ताकि हमारे आदिवासी लोगों के को किसी भी प्रकार की सुविधा मिल सके, क्योंकि हमारे आदिवासी लोगों के पास कभी भी अस्पताल आने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये तो इस प्रकार के आदिवासियों को परेशान करने का जो एक सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है धर्मपुर के स्टेट अस्पताल में, इस बात को लेकर काफ़ी सारी बातें चर्चा में आई और ये आज का ये सबसे चर्चास्पद संवाद बन चुका है कि आदिवासी क्षेत्र के होते हुए भी स्टेट अस्पताल जो धर्मपुर का है वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें हो रही है और काफ़ी बड़े चर्चास्पद ये घटना घटी है जिस प्रकार से। आइए अब आपको ले चलते सीधे धर्मपुर स्टेट अस्पताल की तरफ, जहां पर कल्पेश पटेल जो आदिवासी स्वतंत्र सदस्य है और उन्होंने इस तालुका धर्मपुर की तालुका पंचायत में उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो आइए स्वागत करते हैं कल्पेश पटेल जी का, जो हमेशा लगातार निरंतर समय से आदिवासियों के लिए सीधे फाइट यानी कि लड़ाई करते जा रहे हैं, आदिवासियों के कार्य के लिए आदिवासियों के भलाई के लिए कल्पेश पटेल जी सदा उनके साथ काम कर रहे हैं और सदा उनके आज़ादी के लिए उनके सम्मान के लिए उन्होंने हमेशा से अपना मंतव्य अपनी बात रखने का सकारात्मक प्रयास किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं कल्पेश पटेल जी का धर्मपुर से। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से धन्यवाद। कल्पेश पटेल धर्मपुर तालुका पंचायत आदिवासी आज रोज धर्मपुर तालुकाना सिविल स्टेट हॉस्पिटल खाते एक पेशंट पास थी एक ऋतुराज नामना डॉक्टर द्वारा 12,000 रुपया ले बाबते अमरा द्वारा एमने पूछता आ 12,000 रुपया अमने बिल आप जानवे कि धर्मपुर स्टेट हॉस्पिटल में आ सुविधा न होने कारण जो प्लेट लावा हो सुविधा न होने कारण पेशंट पास थी 12,000 रुपया ले त्यारबाद अमे मळीए छे ऑफिस में ते अमना बिलो आपवामां आवे छे ते बिलो में पार्टी थी कंईक मंगावामां आवे छे अने मने माहिती छे त्यां सुधी धर्मपुर थी वलसाड़ नजीक थाय के पार्टी नजीक थाय एटले एमां स्पष्ट साठगांठ होय एवुं मने चोक्कस देखाई रह्युं छे कारण के वलसाड़ थी पण एज साधन आवे छे अने पार्टी थी पण आज साधन आवे छे। जे आदिवासी विस्तार में सरकार जे बात करे छे विकासनी ए अमारा धर्मपुर तालुका में सदंतर पोकळ साबित थाय छे अने जे आरोग्य बाबतनी वात होय ए धर्मपुरनी स्टेट हॉस्पिटल में साव पोकळ छे। जय आदिवासी, जोहर।